व्हाट्स अप गेमर्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी GTA ग्रैंड आरपी की वीडियो में। तो गाइज, ये ग्रैंड आरपी का दूसरा पार्ट है और इसको आप एज अ बिगनर गाइड पार्ट वन भी ले सकते हो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको फर्स्ट डे क्या करना पड़ेगा। आई होप आपने इसकी प्रीवियस पार्ट देखा होगा जिसमें हमने एक दिन के अंदर हमने 30 to 35,000 अर्न किए हैं। 30 से 35 हज़ार डॉलर हमने सिर्फ एक दिन में सिर्फ बेसिक जॉब करके अर्न किया है। तो आई होप आपने वो पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जाकर जरूर से चेकआउट करें। तो गाइज, वो जो पार्ट था ना, वो मैंने एकदम गलत तरीके से खेला था। गलत तरीके से क्यों खेला था? क्योंकि आपको पता होगा उस पार्ट में हम इधर से उधर दौड़ रहे थे, उसके लिए जो हमें कहीं ट्रैवल करना होता तो हम इधर से उधर दौड़ रहे थे, काफ़ी परेशानी हो गई थी। तो वो इस वजह से परेशानी हुई थी कि ऊपर आप देख सकते हो फर्स्ट मीटिंग करके हमें जो टाइटल है, ये मतलब बेसिक है, ये आप कंप्लीट कर लोगे आपको बहुत फ़ायदा है। इससे आपको ग्रैंड आरपी मिल, मतलब आपको 10 डेज का प्राइम मेंबर, जो ये आप, मैं दिखा देता हूँ आपको, जो ये प्राइम अकाउंट है ना, ये आपको एक तो 10 डेज के लिए मिल जाएगा, उसके अलावा आपको एक गाड़ी मिल जाएगी जो ड्रम ट्रक है, जो काम का नहीं है लेकिन आपके स्टार्टिंग में काफ़ी काम आएगा, वो वो हमने नहीं किया। इस वजह से आपको पता हो हमें स्कूटर रेंट पर लेना पड़ा, हमने टैक्सी बुलाई, टैक्सी वाले ने हमारे साथ फ्रॉड किया, तो बहुत कुछ हुआ था तुम्हारे भाई के साथ प्रीवियस वीडियो में, तो एक बार जरूर से चेकआउट करना। तो ये आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अगर जब फर्स्ट डे ग्रैंड आरपी खेलते हो तो तुम्हें ग्रैंड आरपी कैसे खेलना। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन दबा कर दें। तो चलते हैं अपन यहाँ से, सबसे पहले चलते हैं अपन बाहर। तो अपन जैसे ही यहाँ से बाहर आएंगे उसके बाद अपन को जाना है, देखो वहाँ ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट मीटिंग टॉक टू द गर्ल एट द होटल रिसेप्शन डेस्क। तो हमें जाना है होटल के जो रिसेप्शन डेस्क है, तो हमें जाना है सबसे पहले लॉबी में। लॉबी में जाने के बाद आप जब लॉबी में आओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको एक रिसेप्शनिस्ट दिख रही होगी जिसका नाम है ओलिविया जॉनसन। तो आपको ई प्रेस करके ओलिविया जॉनसन से बात करनी है। तो ये लिखना है आई वॉन्ट टू रिट्यूट विथ माई फैमिलीज। ये जब आप कर लोगे थोड़ा ऐसे वैसे देख सकते हो, तो फिर उसके बाद आपको मिलेगा गाइस ये। अब इसमें आपको देखो कहाँ कहाँ जाना है, वो सब आपके अगले अगले लोकेशन पर मार्क होती रहेगी। जैसे हमें सबसे पहले पावर प्लांट जाना है, फिर हमें जाना है पोस्ट ऑफिस, फिर हमें जाना है लाइसेंस सेंटर, फिर हमें जाना है ऑयल, फिर हमें जाना है सेल ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ से ऑयल लेके वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या करना है, कहाँ जाके क्या क्या करना है। तो आप देख सकते हो नीचे कंप्लीट ऑल द क्वेस्ट एंड गेट 4 ग्रैंड कॉइन मिलेंगे। इससे आप गाइस गाड़ी भी ले सकते हो, और मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप फर्स्ट बिगनर हो तो आप गाड़ी बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आप उसका मेंटेन आप छोड़ो आप उसको वो भी नहीं कर पाओगे, उसका इंश्योरेंस भी नहीं करा पाओगे। और आपको 10 डेज का प्राइम मिलेगा जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। इससे आप जैसे कोई गाड़ी वगैरह ऑटोशॉप से बाय करोगे ना, वो अर्जेंट इमिजिएटली आपके पास है, मतलब आप खरीद लोगे उसको, आप अर्जेंट बुला सकते हो। तो वो सब मैं आपको अगली वीडियोज में बताऊंगा। तो पहले अपन चलते हैं यहाँ से बाहर। अब अपन को कहाँ जाना है गाइस? फर्स्ट मनी मेक 100 फ्रॉम अ पावर प्लांट। तो पावर प्लांट जाना है और वहाँ से अपन को 100 रुपये बनाने हैं। तो उसके लिए अपन को ई मसल प्रेस करनी है यहाँ पर आके, एंड ये दिख रहा है आई वॉन्ट टू रेंट अ स्कूटर। तो आई वॉन्ट टू रेंट अ स्कूटर पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आप कंट्रोल दबा कर स्कूटर स्टार्ट कर लेंगे। फिर अपन चलते हैं अपनी लोकेशन पर। अपनी लोकेशन आपको मैं दिखा देता हूँ, अपन को जाना है यहाँ पर, ये जो लोकेशन आपको दिख रही है ना, अपन को यहाँ पर जाना है, ये यहाँ पर हमें जाना है। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है, 1.48 माइल ही है, तो ज़्यादा नहीं है, मतलब 1.5 माइल समझ लो आप, तो ज़्यादा दूर नहीं है इतना। तो चलते हैं एक बार वहाँ पर, फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे आपको क्या करना है। Few inches later. मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे रश ड्राइविंग करते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो ये साइड होता है फुटपाथ पे, यहाँ पर गाड़ी चलाए तो अब अपन को वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कुछ बेवकूफ़ों की वजह से ऐसी हरकतें होती है। अब उन बेवकूफ़ों की वजह से अपन को ऐसे पैदल पैदल चल के जाना पड़ेगा। 2000 years later. ओके, तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। जब आप यहाँ पर आओगे आपको अंदर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको जो ये येल्लो सर्कल दिख रहा है इसके अंदर जाना है। चलते हैं, गेट एम्प्लॉयड पर आपको क्लिक करना है। ये गाइज, ये सिर्फ यही वीडियो आप एज अ बिगनर गाइड समझ सकते हो, इसके बाद फिर तुम्हारा भाई कंटेंट बनाने लग जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए मैंने, क्योंकि गाइज मैंने देखा कुछ सही से गाइड करने वाला नहीं है कोई बिगनर्स को, इसलिए तुम्हारा भाई ये वीडियो बना रहा है।
आई होप आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको ये यूजफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स तक भी ये सेंड करना। तो अपन को जो ये ट्रांसफार्मर है ये रिपेयर करने, तो ट्रांसफार्मर रिपेयर करने से अपन को $100 कमाने। अब $100 आठ करके भी मिल सकते हैं, चार करके भी मिल सकते हैं, पाँच करके भी मिल सकते हैं, दस करके भी मिल सकते हैं। उस टाइम जॉब की जैसी प्राइस होगी वैसे आपको मिलेंगे। तो अपन को जैसे ये जो सर्किट है ना इनको जोड़ना है, तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, बस कहीं पर भी जोड़ दो, एक दो बार में आपका सही हो जाएगा। तो ये ऐसे आपको, मैं जैसे जोड़ रहा हूँ ना वैसे आपको भी जोड़ना है। उसके बाद ये देखो फर्स्ट टाइम में तुम्हारे भाई का कंप्लीट अच्छे से वर्क हो गया। फिर जाना है तुम्हें दूसरे ट्रांसफार्मर में, दूसरे ट्रांसफार्मर में जाने के बाद तुम्हें करना है, मान लो कहीं पर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो जैसे दे रखा है वैसे ही होगा, कलर का कोई लेना देना नहीं है। ये देखो एक कनेक्ट हुआ, दो रॉन्ग हो गए, तो यानी कि ये यहाँ पर आएगा और येलो वाला, अरे वापस वही कर दिया, सॉरी गाइस, ये यहाँ पर आएगा, अरे यार मैं तीसरी बार वही चीज़ कर रहा हूँ, समझ रहे हो, येलो वाला नीचे आएगा और ये वाला ऊपर आएगा। तो ऐसा होता रहता है। जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, जैसे मुझे $30 मिले, अब $100 के लिए मुझे फिर कितने करने, फोर करने, ठीक है। तो आपको देख लेना उस टाइम क्या प्राइस है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो फटाफट से करता हूँ मैं। A few moments later. ओके तो गाइज हमारा जैसे कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो अपन ने लास्ट ट्रांसफॉर्मर रिसीव रिपेयर कर दिया है। तो अब अपन को नया मिल गया है, देखो गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड पिकअप योर रिवॉर्ड। तो पोस्ट ऑफिस जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ इस येलो सर्कल में आके लीव कर देना। लीव करने के बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर देख लो, यहाँ से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट कर लो, जो मेन डोर है उस मेन डोर से आप एग्जिट करके, अगर आपका स्कूटर चला जाता है इतनी देर में, जो आप ये मोपेड भी बोलते हैं गाइस इसे, तो ये अगर आपका चला जाता है तो आपको ये इनके पास आना है, इनके पास आके ई प्रेस करना है एंड यहाँ पर लिखना है टेम्प्ररी मोपेड। कहीं पर ये स्कूटर के नाम से मिलेगा, कहीं पर ये मोपेड के नाम से मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, है यही। तो ये लेने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा गाइस फिर से कि साइड मरी चलाना। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये जो ऐसा बॉक्स बना हुआ ना ऑरेंज कलर का, ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर हम पहले वे पॉइंट सेट कर देते हैं। अब चलते हैं फटाफट वहाँ पर। और हाँ गाइस, जैसे मैं कंटेंट की जो वीडियो बनाऊँगा ना उसके साथ साथ मैं जैसे इलेक्ट्रिशियन की जॉब की बना दूँगा, या फिर सब जॉब्स की वीडियो वगैरह भी बनाता रहूँगा, और खुद का पर्सनल कंटेंट भी बनाता रहूँगा, उसके अलावा जॉब्स की भी कंटेंट बनाता रहूँगा। A few moments later. ओके तो आपको यहाँ पर आना, यहाँ पर आने के बाद आप एग्जिट करो गाड़ी से, फिर आपको जाना है अंदर। जब आप अंदर जाओगे तो आपको ऐसी जगह मिलेगी, ऐसी जगह में जब आप घुसोगे ना तो हमारा जो GTA 5 का विलन था वो यहाँ पर खड़ा हुआ होगा। आपको इसके पास जाके ई प्रेस करना है एंड आई वांट टू पिकअप माई पैकेज पे क्लिक करना है। बस ये क्लिक करते ही आप टेक द मनी एंड डिलीट द कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो आप हमें $500 मिले। तो गाइज ये $500 काफ़ी काम के हैं, जैसे अभी मेरे पास तो 2000 है लेकिन आपके पास इस वक्त तक सिर्फ $600 ही होंगे। ओके तो अपना मोपेड ये रहा, मोपेड को लेना है। और अब आपको मिल गई अगली लोकेशन, पासिंग फ्रॉम योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस पास करना है, इससे देखो गाइज आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा, समझ रहे हो, फ़ायदा आप ही का है। A few inches later. ओके गाइज जैसे बेवकूफ़ मिलते रहेंगे आपको, जो हर कहीं गाड़ी खड़ी कर देंगे, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर से कि गाड़ी आप साइड में ही चले जाएँ, क्योंकि ये बेवकूफ़ बहुत गलत गाड़ियाँ चलाते हैं। तो आपको पोस्ट ऑफिस जाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो मैप में, ये जो ऐसा ब्लू कलर का डॉक्यूमेंट टाइप साइन आ रहा है, ये हमें यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो अपन को लाइसेंस के लिए यहाँ पर जाना है, तो फटाफट से चलते हैं। One eternity later. ओके तो गाइस आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, एक बार देख सकते हो अपन भी पहुँच गए हैं, ये रहा। तो आपको ये व्हील खड़ा हुआ दिखेगा, व्हील राइडर, तो आपको इसके पास जाके ई मसल प्रेस करना है। और यहाँ पर आप वो $500 बिल्कुल खर्चेगा मत, सीधा यहीं आइएगा एंड ये कीजिएगा वॉन्ट टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, और इस पर आपके $500 वो यहाँ काम आएंगे। तो नेक्स्ट पे करोगे फिर आपको इस गाड़ी में बैठा देगा। तो गाड़ी में बैठने के बाद आपको जी मसल प्रेस करना है और सेट स्पीड लिमिट पे क्लिक करके आपको 90 सेट कर देनी है। उसके बाद आपको चलानी है, कंट्रोल से इंजन स्टार्ट करिएगा, फिर गाड़ी चलाना। और ध्यान रखना आप गाड़ी अड़ाओ ना, और इस गाड़ी को आप 100 तक भी नहीं ले जाओ, क्योंकि आप अड़ा दोगे और 100 तक ले जाओगे तो आपका मिशन फेल्ड हो जाएगा। जैसे ही आप 100 तक जाओगे तो आपको वार्निंग दे देगा और 3 वार्निंग में आपका मिशन फेल हो जाएगा। तो आपको इजी करना है,
और अगर कोई और भी आपके टकरा के चला जाता है, जैसे बेवकूफ़ घूमते रहते हैं सिटी में, तो वो अगर आपके टकरा जाते हैं तो फिर भी आपको वापस से करना पड़ेगा। बस ये गाइस जी दबा के स्पीड लिमिट को 90 कर लेना जरूर से। तो चलते आप कंप्लीट करता हूँ मैं मेरा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी आराम से खींचेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है वन टाइम में। A few moments later. तो गाइस आपको ये करने में 5 मिनट लगेंगे, मेरा जैसा कि हो चुका है। बस यहाँ पर आप जैसे ही गाड़ी करोगे तो आपको एक ट्रक भी मिल गई और ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया। अब आपको जब ये मिल जाएगा आपको, तो आप एक बार इन्वेंट्री खोलिए अपनी और चेक कर लीजिए, ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने बैग ले रखा है, आपके पास इतना स्पेस नहीं होगा, तो बस ये मैंने ले लिया है। थोड़ी सी गाइस ये हीलिंग टाइप का स्टेमिना बूस्ट होता है इससे, तो एक बार स्टेमिना। और अगर जैसे मेरा स्कूटर अब यहाँ पर चला गया, hey, Rachel, तो उसके लिए आपको ई प्रेस करना है इन्हीं के पास, और इनके पास प्रेस करके आपको बस खाली ये डालना है टेम्परेरी मोपेड, जो सेम अपन करते हैं, बस वो लेना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है और आपको जाना है फिर एक और अगली लोकेशन आएगी, ये गाइस लास्ट लोकेशन होगी यहाँ पर। नहीं, ये लास्ट नहीं होगी, यहाँ से अभी आपको 2-3 काम और करने हैं, तो आपको यहाँ जाना होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या क्या करना होगा। ओके, तो गाइस जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पास कर लोगे तो उसके बाद आपको आना है यहाँ पर, ये जैसे कि देख सकते हो ऑयल व्हील में आना है आपको, तो यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ऑयल स्टेशन ऑब्टेन एनी 5 बैरल एट द ऑयल स्टेशन। तो आपको ऑयल स्टेशन आकर 5 ऑयल बैरल्स लेने होंगे, तो अब उसके लिए आपको एफ प्रेस करके व्हीकल से उतरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, ये जो मशीन है ना, इस मशीन के पास आपको आके ई प्रेस करना। देन आप जब भी ई प्रेस कर लोगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे नीचे, गैसोलीन, सोलर और केरोसिन। तो आपको गैसोलीन पे क्लिक करना है, और जो यहाँ पर आपको एक वो दिख रहे होंगे वाइट वाइट टाइप से ऐसी लाइन्स, तो इन पे आपको ऐसे क्लिक करके रखना है। जब आप होल्ड करके रखोगे तो ये एक कंप्लीट हुआ, फिर आपको सेकंड पे होल्ड करके रखना है, तो सेकंड कंप्लीट हुआ, फिर आपको थर्ड पे होल्ड करके रखना है, फिर आपको फोर्थ पे होल्ड करके रखना है। जैसे ही आप इन 3 पे होल्ड करके रख, 4 पे होल्ड कर दोगे तो आपको एक गैसोलीन मिल जाएगा। तो ऐसे आपको 5 गैसोलीन बैरल निकालने हैं, तो फटाफट से निकालते हैं 5 गैसोलीन बैरल। A few inches later. तो गाइस ये हमारा लास्ट है, लास्ट बैरल हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ये कलेक्ट करोगे उसके बाद ऐसी एक ट्यून बजेगी, यानी कि आपका हो गया। अब अपन को आ गया सेल, अरे सॉरी, तो अपन को अब यहाँ पर आ गया। यहाँ ध्यान रखना गाइस, इतना टाइम लगेगा नहीं और आपकी ये कहीं जाएगी नहीं। अरे यार ई नहीं, एफ, गाड़ी पे बेचने के लिए एफ प्रेस करना है ब्रो। तो गाइस आप जब ये कर लोगे उसके बाद आपको जाना है ऊपर, आप देख सकते हो सेल ऑफ रॉ मटेरियल, सेल द बैरल टू एनी ऑफ द 3 बायर्स। तो यहाँ पर सॉरी मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 बायर्स है, देख सकते हो आप, ये जो साइन आ रहा है ना येलो कलर का एक्सटेंड टाइप का, तो ये गाइस बायर्स है। तो आपको इनके पास जाना है और यहाँ पर आप जाकर वो जो बैरल आपने बनाए हैं उनको आप सेल कर सकते हो। तो चलते हैं एक बार फटाफट से इन 3 में से एक किसी भी बायर के पास। तो आप जहाँ पर यहाँ पर जब आओगे तो ऐसे एक बंदा खड़ा हुआ होगा, तो आपको एफ प्रेस करना है और इस बंदे के पास आपको जाना है। सॉरी गाइस थोड़ा सा हो जाता है, तो इसके पास जाके आपको ई प्रेस करना है, एंड आपको करना है आई वॉन्ट टू बाय समथिंग, नहीं करना आई वॉन्ट टू लुक द प्राइस। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है गैसोलीन, दिख रहा है गाइस आपको, गैसोलीन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर प्राइस दिख रही है आपको 32 1 पीस, तो आपको यहाँ पर सिंपली टाइप कर देना है 5 एंड सेल कर देना। तो जैसे ही आप ये 5 सेल करोगे आपको $5,000 मिलेंगे, ये फर्स्ट टाइम ही मिलता है, बाकी उसके अलावा आपको 3,000 ही मिलेंगे, पता है आपको, मतलब $32 ही मिलेंगे। और अगर आपका स्कूटर चला जाता है तो ध्यान रखना कि वो ना जाए, क्योंकि आप इनके पास से नहीं खरीद सकते हो, मैं भी वही चेक कर रहा था आप लोगों के लिए। ओके, तो आपको जब यहाँ पर गाड़ी बैठना, अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ, बस आपका ये लास्ट मिशन है जिसको करने के बाद आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं एक एक्स्ट्रा टिप बताऊँगा आपको करने की। तो आप देख सकते हो आपको जाना है होटल, जो होटल जहाँ हम स्पॉन होते हैं आपको वहाँ जाना है। आप जैसे कि आपको गाड़ी पार्क करनी है, मतलब यहाँ लिखा हुआ कॉल फॉर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इन द पार्किंग लॉट एट द होटल। तो आप जब किसी पार्किंग लॉट में जाकर करवाओगे ना, तो वो आपसे 1000 हर बार लेगा जब आप गाड़ी पार्क करोगे, तो हर $1,000 आपको महंगा पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जब भी कोई भी गाड़ी पार्क करवानी हो और $1,000 ना देने हो, तो सीधा चले जाना
आप वो होटल की रिसेप्शनिस्ट मतलब होटल चले जाना, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको आगे कैसे करना है। 2000 years later. ओके, तो गाइस आप जब यहाँ पर पहुँच जाओगे तो आपको स्कूटर से उतरना है। उतरने के बाद आपको जाना है इन आंटी के पास, या जो आंटी दिख रहे हैं ना, इनके पास जाके आपको सीख करना है आई वॉन्ट टू पार्क माई प्लेस द माई कार। तो आपको एक ही कार दिखेगी जो आपके पास है, क्योंकि इसको आपको सिलेक्ट कर देना। आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो ये गाड़ी आपकी पार्क हो जाएगी, जिस पर रेड एरो बना हुआ आएगा वो आपकी गाड़ी होगी। तो आपको जाकर एफ प्रेस करना है। तो अब आप इस गाड़ी में बैठ चुके हो, लेकिन जब आप इस गाड़ी पे जी प्रेस करोगे और जाओगे, तो गाइस एक बार आपको यहाँ पर व्यू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन करना है। जब आप व्यू ट्रांसफ़र ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सब कुछ, आपकी टैंक कैसे कैपेसिटी है 70 लीटर, या आपको पूरा आपकी गाड़ी के बारे में दिख जाएगा। और 5000 की इसकी स्टेट वैल्यू आप सेल करोगे तो आपको क्या ही मिल जाएगा, $500। तो ये गाड़ी आपको मिल सकती है, लेकिन 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 अब आप यहाँ पर देख सकते हो एम दबाया तो यहाँ पर आ गया तुम्हारे भाई के पास प्राइम अकाउंट। तो प्राइम अकाउंट के साथ साथ हमारे पास और कुछ भी आया है, तो देख सकते हो आप हमारे पास 4 ग्रैंड कॉइन भी आ गए। तो ग्रैंड कॉइन आने के बाद आपको जाना है कंटेनर विद प्राइजेस। कंटेनर विद प्राइजेस में जब आप जाओगे, ये गाइस थोड़ी प्रो टिप है, जब आप इसमें जाओगे तो आपको सर्च करना है, देखना है कि 2GC वाला कंटेनर कहां पर है। तो गाइस बड़ी देर के बाद मुझे ये 2GC वाला लेजेंडरी देख सकते हो आप। आपके अगर आपकी किस्मत हो तो ये खुल सकती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये खुलने से आपका कोई भी मतलब नहीं है। बस अपन इसलिए खोल रहे हैं ताकि अपन को जैसे ये 50,000, ये 75,000, ये ऐसे अपन को आइटम्स मिल जाए। तो अपन को सबसे पहले ओपन द कंटेनर पर क्लिक करना है। ओपन द कंटेनर पर जैसे आप क्लिक करोगे कंटेनर ओपन हो जाएगा। अब ओपन होते ही हमें $5,000 मिला, जो कि वर्थ इट नहीं है। तो एक बार और करते हैं और देखते हैं, अब की बार कुछ अच्छा दे देना ताकि हम कुछ गाड़ी वगैरह बाय। ओके, तो $25,000 मिले हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अब हमारे पास हो गए हैं $37,000। तो तुम्हारे भाई के पास अब कितने हो गए, $37,000। तो अब इसका हम कैसे क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो यहाँ तक आपके पास ये ड्रम ट्रक आ जाएगा, उसके बाद आपके पास $37,000 आ जाएंगे, जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी आपके लिए मददगार होंगे। तो इसमें आपका पूरा बिगनर ट्यूटोरियल हो गया, जिससे आपके पास अब गाड़ी आ जाएगी। अब आप जहाँ चाहो वहाँ इस गाड़ी से डंप ट्रक से जा सकते हो। ये देख सकते हो ये डंप ट्रक लेकर आप जहाँ जाना चाहो आप वहाँ पर जा सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और हाँ गाइस, मेरे चैनल पर 2-3 अदर्स गेम्स की भी वीडियो है, तो जाकर वो भी ज़रूर से चेकआउट करना। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।